स्टार्ट हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका वो मंत्र मिशन दरोगा भर्ती लाइव सेशन में। मैं कुमार विप्लव सभी छोटे भाई बंधु को नमस्कार करता हूं, और जितने भी हमारे बड़े भाई बंधु सीनियर्स देख रहे हैं उन सबको आदर पूर्वक नमस्कार करता हूं। उम्मीद करते हैं आप हमें सुन पा रहे होंगे और ये बोर्ड आपको प्रॉपर विजिबल होगा। जितने भी लोग वर्तमान में इस लाइव सेशन से जुड़ पा रहे हैं वो इस लाइव सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें, ताकि जिस मिशन के तहत हम लोग इस काम पे लगे हैं वो अपने मूर्त स्वरूप में हम लोग जिसे उस मंजिल को प्राप्त कर सके, और वो मिशन दरोगा भर्ती 2019 जिसमें कि हम लोग मिनिमम 500 दरोगा अपने समाज से देखना चाहते हैं। दोस्तों, जो भी इस लाइव सेशन से जुड़ पा रहे हैं उनसे एक ही बात बोलूंगा कि जहां तक संभव हो सके अपने समाज के युवाओं के बीच इस सेशन को शेयर कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें, ताकि आज का जो एजेंडा है वो अपना होगा रिलीजियस रिफॉर्म, भक्ति आंदोलन भी कह सकते हो आप। उम्मीद करते हैं चेक कर लीजिएगा सब कुछ, आपको बोर्ड अच्छे से विजिबल होगा। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। सब कुछ सही है, एक फोन देना कमेंट चेक करने के लिए। इफ एवरीथिंग इज ओके, आप लोग देख पा रहे हो प्रॉपर तरीके से, जुड़ पा रहे हो? जी हाँ, तो अधिक से अधिक संख्या में इस लाइव सेशन को आप शेयर कर दें, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि मैं अपना कार्यक्रम आगे फटाफट स्टार्ट कर लूं। एक दो मिनट है अभी आपके पास, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जोड़ लें। देखिए दोस्तों, जितने भी लोग अभी तत्काल देख पा रहे हैं, आज का एजेंडा का पहला हिस्सा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर। जो क्लासेस चल रही हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन दरोगा भर्ती। यह जो प्रक्रिया है 2019 पीटी जो कि दिसंबर में संभावित है, दिसंबर में संभावित है, इस परीक्षा का तैयारी कैसे करें। फिर से वापस मैं एक अच्छा सा सेटअप प्रिपेयर करके आपको दूंगा, एवरीडे प्लान बना के भी आपको दूंगा। इस लाइव सेशन का पहला 10 मिनट जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इसी को डिवोट करूंगा, 10 से 15 मिनट कि हाउ टू प्रिपेयर। ये पुराने वीडियोस के अंदर, आपको लाइव सेशंस के वीडियोस के अंदर ये चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से जो युवा जुड़ पा रहे हैं हमारे बिहार दरोगा भर्ती के लिए, उनका बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सर प्लीज गाइड अस इन करेक्ट ऑर्डर, कंप्लीट एप्पल पाई ऑर्डर में बता दो कि इस तरीके से चीजों को अगर किया जाए तो सफलता की चांसेस तकरीबन 100% हो जाता है, सफलता सुनिश्चित हो जाती है। समझ पा रहे हैं हमारी बात को? जितने भी लोग जुड़ पा रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलें। देखिए, एग्जाम दिसंबर में संभावित है, आज हम लोग सितंबर फिनिश करके अक्टूबर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने पास पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, दो मात्र पूरे महीने हैं और सिलेबस थोड़ा बड़ा है, तो इसका रूपरेखा आज तय करूंगा। पहले आपको बताऊंगा विद फुल डिटेल्स कि किन चीजों को किस तरीके से, कौन से बुक से, कितने घंटे वर्क करके पढ़ा जा सकता है, कहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, और किस तरीके से इन सारे प्रोसेस में हम लोग वो मंत्र के माध्यम से, मिशन दरोगा भर्ती 2019 के माध्यम से आपकी मदद कर पाऊंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ गए होंगे हमारे साथ।
सारी चीज बिल्कुल, सारी व्यवस्थाएं सही चल रही होंगी, है ना? एक बार मैं देख लेता हूं। जी बिल्कुल, रणधीर शर्मा जी गुड इवनिंग, रणधीर, सन्नी सौरभ सिंह जी गुड इवनिंग आपका भी, मनोज राय वेलकम है आपका। देखिए फोन नंबर के बजाय सर आप लोग ना इन चीजों को इस तरीके से जोड़ सकते हैं खुद को कि आप वो मंत्र पेज को लाइक कर लें, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएगा दोस्त, है ना? इजिली यू विल फाइंड नोटिफिकेशन। जी तो चलिए, जैसे ही थोड़ा सा ठीक ठाक संख्या में लोग जुड़ते हैं, जुड़ रहे हैं, मैं आज का एजेंडा डिस्कस करता हूं, चले आगे बढ़ता हूं मैं। आज का जो अपना एजेंडा है दोस्त वो ये है, मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूं, सिलेबस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो भक्ति आंदोलन है। बट बिफोर मूविंग टू सिलेबस, सिलेबस से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त जो आपके दिसंबर में पेपर संभावित है, कौन सा पेपर? प्री। पहले क्या होना है दोस्त? पहले प्री होना है। पिछले साल का प्री का कट ऑफ जनरल का, मेल का बात किया जाए तो आप टारगेट करिए मेरे भाई बंधु 65% स्कोर का, फीमेल ट्राई करें 50% स्कोर का मिनिमम, भूल जाए भर्ती बहुत ज्यादा है। कैसे अचीव किया जा सकता है इसको समझिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये पैकेट हो गया। ठीक इसी प्रकार का दूसरा पैकेट है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और तीसरा पैकेट है आपका करंट जीके। ठीक है, सिलेबस के यही सेक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे बिहार जीके, तो पिछले दरोगा भर्ती और उससे पिछले दरोगा भर्ती एग्जाम को देखा जाए तो बिहार जीके इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वर्दी टू स्टडी मोर, ज्यादा पढ़ने के लायक नहीं है। फिर आते हैं हम लोग मैथ्स रीजनिंग। तो मेरे दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग सिलेबस में नहीं है, तो आप सिलेबस के तीन हिस्से मानो, पहला पैकेट, दूसरा पैकेट और तीसरा पैकेट, ये सिलेबस के हिस्से हैं। अब मैं आपको पिछले साल का थोड़ा सा ब्रेकडाउन का स्टडी करवाऊं प्री मेन सब कुछ मिला करके, तो करंट अफेयर से मेरे दोस्त 20-25% तक सवाल रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से मिला दिया जाए तो आपके 30% तक क्वेश्चन रहे हैं, और फिर आपका 40 से आपका 45-50% क्वेश्चन जो रहे, ये अगर बात किया जाए तो 40% तक क्वेश्चन जो रहा है वो यहां से। एक सेक्शन होता है क्रैप, क्रैप जी के दोस्तों किसको कहते हैं? तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, भारत रत्न, नेशनल अवार्ड्स, जो करंट का स्टैटिक पार्ट, स्पोर्ट्स का स्टैटिक पार्ट, है ना, खेल का स्टैटिक पार्ट। स्टैटिक पार्ट दोस्त क्या होता है समझिएगा, स्टैटिक पार्ट मतलब खेल के अवार्ड्स फिक्स, है ना, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम का हिस्ट्री अवार्ड्स सारे, गैलेंट्री वाला भारत रत्न और वो सारे, या अन्य बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशन हो गए, बुक्स ऑथर हो गया ना, किताब एवं उनके लेखक, डेज हो गए कौन से दिन किस दिन को मनाया जाता है, फिर आपका कोई इस तरीके के और कोई क्रैप मटेरियल, तो 10-1% तक क्वेश्चन, यानी कि 8-10 क्वेश्चन तक क्रैप मैटर का होता है। कहां से क्रैप मैटर प्रिपेयर करें? तो मिसलेनियस जीके बुक के जो मिसलेनियस हेडिंग से चैप्टर्स होते हैं उसको प्रिपेयर करें, आखिरी पेज लुसेंट बुक का पढ़ाई करें, आखिरी पेजेस
जो मिसलेनियस के अंदर दिया हुआ है, या फिर घटना चक्र का भी मिसलेनियस आता है, विविध घटना चक्र विविध भी आप परचेज कर सकते हैं। अब तो ये इसको इसलिए बता दिया कि ये छूट जाता है दोस्त, लगभग तैयारी करने वाले लोग इन चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे कौन सा 8 सितंबर को कौन सा दिन है, 12 सितंबर को कौन सा दिन है ना, युवा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व लिटरेसी दिवस कब मनाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन, कौन सा बुक किसने लिखा, कौन सी आपका एंशियंट टाइम का बुक, मॉडर्न टाइम का किताब है सारी, तो कौन सा स्पोर्ट्स का एरिया कितना होता है, कितने प्लेयर होते हैं, है ना, अर्जुना अवार्ड में कितने रुपए दिए जाते हैं, रेमन मैक्सेस अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ओपेक क्या है, एपेक क्या है, ये सारे संगठन हो गए। तो ऐसी चीजें ना तो हिस्ट्री में कवर होता है, ना ज्योग्राफी में कवर होता है, ना पॉलिटी में कवर होता है, ना ही फिजिक्स, ना ही केमिस्ट्री, ना ही बायो, और ना ही करंट जीके की किताब में कवर करते हो। तो सारा का सारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपका नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा का सारा कवर हो जाता है। फिर एक छोटा सा टॉपिक बचता है इसी के अंदर कवरेज का, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं आपको भी बताता हूं, और अब फटाफट चीजों को आप ये समझो कि कौन सा बुक और कैसे पढ़ा जाए। दोस्त, हिस्ट्री के तीन हिस्सा, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ऐसे आधुनिक लिख रहा हूं। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आए थे 4-5, आप लुसेंट पढ़ सकते हो, क्राउन पढ़ सकते हो, लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की किताब से, छोटी सी पतली सी किताब है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मध्यकालीन इतिहास अभी आपका चल रहा है, उसमें भी आप लुसेंट फॉलो कर सकते हो, आधुनिक भारत भी आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के लिए अच्छी किताब है। थ्योरी लुसेंट से पढ़ लें आप, घटना चक्र से प्रैक्टिस कर सकते हो, या ऑब्जेक्टिव लुसेंट से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव लुसेंट से प्रैक्टिस कर लो, घटना चक्र से आप प्रैक्टिस कर लो, या दोस्त आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो लेकर के अरिहंत के भी एक प्रैक्टिस बुक्स आती है जिसमें क्वेश्चन का कंपाइलेशन होता है आराम से। ज्योग्राफी में फोकस इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा रखना, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़िए लेकिन अगर टाइम का कमी है तो इंडियन ज्योग्राफी पे फोकस ज्यादा रखो। एटलस के मदद से मैप वगैरह समझ के पढ़ने का प्रयास करो। कोई भी एक बुक लुसेंट का या कोई अन्य किताब है, आपको उसकी अच्छी रीडिंग लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। कैसे पढ़ना है? जनसंख्या, आंकड़े, पाक, सेंचुरी, कृषि, आपका मृदा, उसके बाद फर्टिलाइजर्स, उसके बाद कम्युनिकेशन साधन, जितने हैं ना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स वो पढ़िएगा। पॉलिटी के लिए आपको पॉलिटी पे फोकस, गवर्नेंस से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, यहां पे लुसेंट आपके काम आ जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र ले सकते हैं, या आप यहां से प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव लुसेंट चैप्टर वाइज कर सकते हैं, या कोई अन्य किताब प्लस में और लगा लेना। इतना मेहनत भी नहीं करना है ज्यादा आपको, कोई एक किताब लेकर के प्रैक्टिस। आपके पास समय बहुत कम है, आप सेल्फ स्टडी का ऐसा कोई प्लान करें कि 10-10 दिन के स्लॉट में मैं इनको अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी में कवर कर लूं, और पैरेलल में आपको साइंस तैयार करना है। बायो से क्वेश्चन ज्यादा होता है तो ज्यादा फोकस आप इस पे करें, बायो पे। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपका बढ़िया है, साइंस बैकग्राउंड से है, देन वेरी ओके। आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो फिजिक्स केमिस्ट्री का रीडिंग लगाएं, वो टाइम बचा के आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे इकोनॉमिक्स में लगा दें। और करंट जीके के लिए क्या करना है दोस्तों, एक आपका स्पीडी का वार्षिकांक, और दूसरा क्या खरीद लें आप, मंथली मैगजीन कोई भी, और आराम से इत्मीनान से डेली कम से कम 1-2 घंटे, ज्यादा नहीं, करंट जीके पढ़े, 3 घंटे कम से कम यहां पढ़ दें, और 1-2 घंटे साइंस, 3-2-5-6-7 घंटे का अगर आप रीडिंग लगा रहे हो दोस्त, और अगर 1 महीना करते हो तो 180 से 200 घंटे के स्टडी में मेरे द्वारा बताए गए सारी चीजें आप इत्मीनान से कवर कर सकते हो। इसके बाद आप मॉडल प्रैक्टिस सेट्स पे आ जाना,
टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी जहां तक आपके पहुंच में हो करना, और 10 मॉडल पेपर का प्रयास मैं भी आपको कर रहा हूं जो डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचा दे। तो इस तरीके से अगर प्रिपरेशन करोगे तो दिसंबर में होने वाले प्रीलिम्स परीक्षा में आप आराम से 70% स्कोर कर सकते हो। फिर आपको यह नहीं बोलना पड़ेगा कि बहुत धांधली है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, धांधली है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार से आप इस प्रील का बैरियर तोड़ सकते हो। फिर मेंस में और बेहतर तैयारी किया जाएगा और मेंस के बैरियर को भी तोड़ा जाएगा। तो चलें, ये तो हुआ पूरा का पूरा कि क्या पढ़ना है। तो मुख्य रूप से बात करें तो भी आपके पास दो किताब होने चाहिए। एक तो स्टैटिक जीके के लिए आपका लुसेंट, और करंट जीके के लिए वार्षिकांक स्पीडी और मंथली मैगजीन। उसको महीने एक दिन में अच्छे से पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बायो पे प्रमुखता के साथ फिनिश करने का आपका टारगेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद आप आ जाइएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव, घटना चक्र या किसी भी एक बुक से प्रॉपर प्रैक्टिस। पहले 3-4 रीडिंग थ्योरी का, फिर हर एक टॉपिक पे 100-150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज में टर्न अप हो जाना। 100% आपका सक्सेस अश्योर कर देगा दोस्त। तो अब मैं वापस, अगर आपके कुछ विशेष कमेंट है जिसमें कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूं प्रिपरेशन मॉड्यूल से जुड़ा हुआ। कोई कुछ सवाल हो तो प्लीज बता दिया करें, मैं यहां से आपके सवाल एड्रेस कर लूंगा। चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन होगा लास्ट में क्वेश्चन राउंड के सेशन में हम लोग देख लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मैं। तो आज का मैं टॉपिक पिक करता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? तभी तक हम लोगों ने सल्तनत काल देखा, मोहम्मद बिन कासिम अरब के आक्रमण के बाद सल्तनत काल के रिजाइन के बाद हम लोगों ने देखा ये सल्तनत हो गया। ऐसा क्यों बना रहा हूं कि इधर से अरब आए, दिल्ली सल्तनत बनाया, फिर इधर से ही बाद में कौन, इब्राहिम लोधी को हरा के बाबर आया, सल्तनत किसने बदल गया, मुगल में, और फिर आपका मुगलों का कहानी यहां पे औरंगजेब के बाद कमजोर पड़ जाता है और अंग्रेजों का प्रादुर्भाव हो जाता है। ये सारी चीजें ठीक चल रही होती हैं, इस बीच में दो बातें स्लिप हो जाती हैं जब भी हम पढ़ते हैं तो। और वो दो बातें क्या होती है? पहला ये चीज देखिएगा क्या है आपका। तो एक तो पंजाब किससे हुआ चीज देख लीजिए, बोर्ड्स वगैरह प्रॉपर विजिबल है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, क्योंकि जब मैं क्लास के फ्लो में आ जाता हूं तो फिर मैं ध्यान नहीं रख पाता हूं आप इन चीजों का। बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर? चलिए, तो अब शुरू करें बात। आए फोकस करना, जितने भी लोग एस्पिरेंट हैं खास करके देख रहे हैं, प्लीज अभी 8:20 हो रहा है ना, अगले 35 से 40 मिनट में मैं भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करें कि भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब होता है। तो भक्ति आंदोलन का जो दो शुरुआत होता है, अगर सवाल पूछा जाए तो बोलिए 6वीं शताब्दी के बाद से, यानी 6वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बाद में 6वीं शताब्दी से। कहां शुरू होता है भक्ति आंदोलन? तो तमिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिल से शुरू होता है। जब समझिएगा, जब पूरी लगभग भारतवर्ष और लगभग पूरे एशिया में बुद्ध यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बिल्कुल उद्भव अपरंपार था। लगभग उस समय के सारे अधिकांश बड़े बड़े राजा और महाराजा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी बन चुके थे, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो कॉन्सेप्ट है ना दोस्त, वो अपरिग्रह है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, यानी त्यागना। वो कहते हैं कि संसार जो है दुखों का, सवाल आता है, मूल है, यानी दुखों से भरा हुआ है, जड़ है ये जो संसार है जो हमारा, ये दुखों का जड़ है। तो यहां से अपरिग्रह का सिद्धांत था, दुनिया निराशावादिता की तरफ जा रही थी,
चीजें बिल्कुल अलग हो रही थी, तब वहां पे दक्षिण में तमिल, तमिलनाडु से, आपको जान के बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, जिन लोगों ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, बौद्ध के और जैन के अपरिग्रह सिद्धांत को तोड़ा, आज वो किसी भी तरीके से धार्मिक उन्माद में नहीं फंसे हैं। आपको पता है सारा का सारा मंदिर यही बनाएंगे, मॉब लिंचिंग ये सारी चीजें जो भी है ना, या जिस किसी भी तरीके से, वो इधर के तरफ ज्यादा शिफ्ट है, जबकि धर्म का ओरिजिन जो है ना तमिल हिंदी जो बाद में हिंदू धर्म जो परिवर्तित हुआ सनातन धर्म था, लेकिन जैन और बुद्ध के प्रादुर्भाव में दब गया था। तो छठी शताब्दी में इसको फिर से उभारा तमिलनाडु के अंदर, और उस समय तमिलियंस ने, और वहां क्या हुआ, बस बेसिकली दो पंथ चले थे, है ना, तो 12 ए एनआर याद रखना, एनआर और 63 क्या थे आपके, नैना आपका अलवार और नैनार, इनको बोला गया वैष्णव और इनको बोला गया शैव। ये दो मत चले छठी शताब्दी के बाद, और ये पूरे भारत में फैलने का प्रयास किया इन लोगों ने, और यहीं से बेसिकली उत्पत्ति हुई, और उसको बोला गया भक्ति आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन, क्योंकि सनातन धर्म पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पूरा मास्क लगने लग गया था, और बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सनातन धर्म से पलायन होके, खास करके बिहार तो पूरा ही बन गया था, पूरा जो उस समय के ऐतिहासिक फैक्ट्स में आते हैं, अपना जो बिहार था वो बिहार नाम ही इस कंसेप्ट से बौद्ध धर्म में परिणत हो चुका था। वो तो भला हो वहां से ये अलवार और नैनार यानी वैष्णव और शैव संप्रदाय लेकर के चलने वाले लोगों का, जिन्होंने फिर से जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अपग्रह सिद्धांत को बाद में बहुत हद तक खारिज किया। एक्चुअली बाद में वैष्णव धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित कहां पे हुआ, तो महाराष्ट्र के इलाका में, और वहां विठोबा बोलते थे भगवान को, है ना, और ये विष्णु के ही स्वरूप माने गए विठोबा के रूप में। और एक पंढरपुर जगह है जहां एक बड़ा तीर्थ डेवलप किया गया था, और तीर्थ यात्रा इनका, खास करके इसको तीर्थंकर आपका यात्री तीर्थंकर भी बोला जाता था। तो तीर्थ ये पूछा जाता है महाराष्ट्र में कौन से जगह पे तीर्थ डेवलप किया गया था, भगवान को क्या बोला जाता था, सबसे ज्यादा वैष्णव धर्म कहाँ पे डेवलप हुआ था सबसे प्राचीन समय में, तो महाराष्ट्र के अंदर में 12 अलवार और 63 नैनार जो संत थे अलग अलग टाइम पे हुए, इन लोगों ने तमिलनाडु से स्टार्ट करके छठवीं शताब्दी में, और जो पूर्णतः कह सकते हो बौद्ध और जैन धर्म के अपरिग्रह से दुनिया बहुत हद तक निराशावादिता में चली गई थी, भारत और एशिया पूरा दुनिया नहीं कहा जा सकता है सॉरी, निराशावादिता में चली गई थी, उससे उभारा था। ठीक इसी प्रोसेस में यह उभार इतना जबरदस्त नहीं हो पाया था जितना जबरदस्त चर्चा में आए 14वीं से लेकर के 16वीं सदी के बीच में। अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए भक्ति आंदोलन अपने प्रमुखता के साथ किस सदी में स्वरूप हासिल किया और पूर्णतः प्रतिस्थापित किया, तो यह कहलाएगा 14वीं से 16वीं सदी के दरमियान, है ना। अरे आपने सुना होगा कि शंकराचार्य है ना दक्षिण से एक डंडा उठा के चलते हैं और पूरे भारत को सिद्धांत देते हैं अद्वैतवाद का सिद्धांत। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन कहलाएंगे, शंकराचार्य। ये अद्वैतवाद क्या था इसको समझिएगा, एग्जाम में वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझिएगा, अद्वैत मतलब दो नहीं है एक ही है, क्या, जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। अगर यहां से माया जीव में से माया घटा दो तो वो क्या है, ब्रह्म, और ब्रह्म में अगर माया डाल दो तो वो क्या है, जीव। ये चीजें जो है वास्तव में ये चीजें बताया था, ये चीजें बताई गई थी कि भैया अद्वैतवाद के सिद्धांत को समझिएगा, जीवो ब्रह्म है व ना पर,
इसका मतलब होता है कि जीव ही ब्रह्म है और संसार और दुखों का सार भगवान से मिलना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। जीवो ब्रह्म है ना पर ही जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, और वर्तमान स्वरूप में जिस हिंदू धर्म सनातन धर्म में हम लोग पल बढ़ रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, वो इसी अद्वैतवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और वो दक्षिण से कमंडल उठा के चलने वाला शंकराचार्य, जिसने पूरे भारत से बौद्ध धर्म के प्रभाव को खत्म किया और बाद में मतलब एकम हम बहुश्यामी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक हैं और अनेक होना चाहते हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन डिलीवर कर दूं यहां पे कि यहीं से शुरू होता है, जो हमारे बिहार से ही लिखा गया बाद में बात्सायन का काम शास्त्र, क्योंकि बुद्ध ने तो सबको निरंकुश मतलब निर्मोही बना दिया था, है ना, मोह माया सब। इन्होंने बोला हम एक हैं, बहुत होना चाहते हैं, एकम हम बहुश्यामी का सिद्धांत भी यही अद्वैतवाद से निकल गया कि हम जीव हैं तो हमें माया होगा, माया का त्याग करेंगे हम ब्रह्म बन जाएंगे, और इस कंसेप्ट को बताया था। तो खैर मैं आपका बहुत ज्यादा समय इस मुद्दे पे नहीं लूंगा, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिस सनातन धर्म को लेकर के हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो थोड़ा सा एक सामान्य सा नॉलेज होना चाहिए। एक हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में मैं नहीं कह रहा कि एक आध्यात्मिक बाबा के तौर पे आपको नॉलेज हो, लेकिन इतना नॉलेज होना चाहिए। बाद में शंकराचार्य के बाद इसी दरमियान में, बाद में जो ये तो शंकराचार्य का रहा है, इस दरमियान में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में क्या होता है, तो बहुत सारे संत आते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको बता ही दिया, एक चीज ध्यान रखिएगा कि वैष्णव संप्रदाय चला, और आपका यहां से क्या ध्यान रखना, जिसमें मैं कुछ एक चार्ट बना दूं आपको, तो सबसे पहले चर्चा आता है जिनका, वो रामानुज, रामानुजाचार्य। इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इनके बारे में इतना ही क्वेश्चन बनता है दोस्त कि 11वीं सदी में आए थे। कब आए थे? 11वीं सदी में आए, और सबसे कम उम्र में 20 साल के उम्र में इनका मौत हो जाता है, आकस्मिक निधन हो जाता है इनका। और ये कहां से? तो पेरुबूर। ये कहां जगह है? तो चेन्नई के पास, वर्तमान स्वरूप में चेन्नई के पास पेरुबूर जगह में ये राम भक्ति, सोचो चेन्नई में राम भक्ति है ना, तो भारत के कण कण में है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो वहां राम भक्ति का प्रतिपादन किया पेरुबूर जगह में 11वीं शताब्दी में। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले 14वीं शताब्दी के शंकराचार्य के बाद, शंकराचार्य तो देखो 8वीं शताब्दी के आसपास स्टार्ट किए थे, उसके बाद दोबारा से जो आंदोलन शुरू हुआ था इसको भक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई, उसमें प्रमुखता से सबसे पहले किसने शुरू किया था? रामानुजाचार्य ने। रामानुज भी कई बार लिखा रहेगा, जन्म हुआ था पेरुबूर में 11वीं सदी, एग्जैक्ट डेट आपसे नहीं पूछा जा सकता है। राम इनका गुरु कौन थे? तो यादव प्रकाश नाम था, तमिल थे, यादव प्रकाश नाम था। ये रामानुजाचार्य भी तमिलियंस थे। तो दक्षिण से चले लोग हैं जो सनातन धर्म को जिंदा करके वापस और फिर से आज जिस स्वरूप में आपके सामने है उसको खड़ा किया है, और आज वो धार्मिक रूप से बड़े ही संपन्न बट शांत हैं, हम थोड़े धार्मिक रूप से उन्मादी हो जाते हैं। एनीवे, इनके बाद जो सबसे प्रमुखता से जिनका चर्चा आएगा वो रामानंद। रामानंद जी का जन्म कहां हुआ? तो इनका जन्म हुआ प्रयाग, यानी अल्लाहाबाद, प्रयागराज में। नाम बदल गया है दोस्त, है ना, अल्लाहाबाद हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज में जन्म, वाराणसी में शिक्षा, हिंदी भाषा में उपदेश, ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है रामानंद जी से। जात प्रथा, हिंदू धर्म में जात प्रथा जो था से जात प्रथा उन्मूलन, इन्होंने सभी जात के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे। और आगे आता इन्होंने बताया था
कि शगुन भक्ति, इन्होंने बोला था कि भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट यह दिया कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट दिया कि जीव जो है मुक्त होगा, ब्रह्म में मिलेगा भक्ति। मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्या था, सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा था कि दोस्त ये जीव है और ये ब्रह्म है, यहां से बस माया निकालना होता है। सारा भक्ति का काम होता है जीव से माया खींचना, और उसको खींचते ही जीव कहां पहुंच जाता है, ब्रह्म में। तो इन्होंने बोला था कि भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जितना ज्यादा भगवत भक्ति करोगे आपके अंदर से माया उतना ही निकलता जाएगा। ये किसका पूजा करते थे तो ध्यान रखेगा, सीता राम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम युग्म सीता राम के ये पुजारी थे, रामानंद नाम था इनका। और ये वास्तव में जो कृष्ण बनते हैं रामानंद के शिष्यों पे, तो रामानंद के शिष्यों में दो महिला शिष्य थी, इनका नाम क्या था, दिखाई दे रहा होगा बोर्ड, सब कुछ सही है, महिला शिष्या थी, उनका नाम था पद्मावती और दूसरा नाम था आपका सुषनरी। ये दो महिला शिष्या थी। और जो आपको जानना चाहिए, रैदास जो जाति से आपके जूते ये चमार जाति कहे जाते थे, और आपका इसमें हरिजन जिनको कह सकते हो आप, ये हरिजन थे गांधी जी के शब्दों में, रैदास इन्हीं के शिष्य थे। बाबा कबीर महान, जिस पे आज मैं अच्छा प्रकाश डालूंगा आपको, कबीर ये जुलाहा थे, पंडित एक विधवा ब्राह्मण की कोख से जन्म लिए हुए कबीर जो जुलाहा परिवार में पले बढ़े, जैसी दंत कथाएं हैं। धन्ना नाम का एक जाट था, ये समझ सकते हो आप, देख सकते हो स्वरूप रामानंद साहब का। इसी प्रकार से सेन नाम का एक नाई था, समझ रहे हैं बात को। इसी प्रकार से पीपा नाम का राजपूत इत्यादि, रैदास कबीर धन्ना सेन ये सारे के सारे आपके किसके थे शिष्य, रामानंद के शिष्य थे। तो आपको बात समझ में आ गया, कबीर किसके शिष्य, रामानंद के, रैदास किसके शिष्य, ज्यादा ये पूछा जाता है सवाल। तो रामानंद से क्वेश्चन बनता है कि रामानंद कौन थे, तो रामानंद कबीर के गुरु थे, जो आपका तकरीबन 14वीं शताब्दी के आसपास में जो शुरू किया था, बृहद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था उसका सूत्रधार थे। प्रयागराज में जो रामानुजाचार्य लेके आए थे दक्षिण से उत्तर की तरफ, उसको आगे किसने बढ़ाया, रामानंद ने। प्रयागराज इलाहाबाद में जन्म, वाराणसी में शिक्षा, हिंदी भाषा में उपदेश, हिंदू धर्म से जात प्रथा का उन्मूलन करने का प्रयास, भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति का स्वरूप रखा, सीताराम की भक्ति करते थे, दो महिला शिष्या भी थी उनकी बहुत प्रमुख, पद्मावती और सुषनरी, रैदास कबीर धन्ना सेन पीपा इत्यादि अलग अलग जातियों से उनके शिष्य थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जाति प्रथा का उन्मूलन का प्रयास किया था। तो सबसे पहले जो इसमें चर्चा आना चाहिए अपना, वो कुछ महत्वपूर्ण इनके शिष्यों का अगर चर्चा करें तो कबीर का नाम सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से भक्ति आंदोलन के दरमियान लिया जाना चाहिए। तो अब मैं यहां से अगर आपको बात बताऊं तो बेसिकली रामानंद के जो शिष्य थे ना, वहां से अगर मैं चर्चा को थोड़ा सा इधर लेके चलूं तो रामानंद के शिष्यों में दो टर्म्स रहे। पहला टर्म्स जो रहा रामानंद के शिष्य में, एक टर्म जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, वो एक सगुण और एक निर्गुण धर्रे का शुरुआत हुआ था। हिंदू धर्म दो धर्रे में बट गई थी, एक सगुण साकार, साकार मतलब आकार के साथ, और निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार मतावलंबियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरोधा हिंदी साहित्य के कुल के सबसे बड़े और सबसे बड़े नायक पुरोधा योद्धा तपस्वी वीर गोस्वामी तुलसीदास जी, और इसके बाद आते हैं नाभादास का भी नाम आता है जो राम भक्ति करते थे। ये दोनों ही तुलसीदास और नाभादास, ये दोनों राम भक्ति करते थे। निम्बार्क, निम्बार्क
इसके बाद वल्लभाचार्य और फिर चैतन्य महाप्रभु और इसके बाद मीराबाई, ये सारी कृष्ण भक्ति। और ये क्या है, शगुन साकार स्वरूप में एक बिल्कुल मूर्ति के तौर पे भगवान को स्वीकारते हुए ये मानते थे कि भगवान एक स्वरूप में है, तो शगुन साकार बोला गया इनको। ये निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार क्षत्र के जो एक सबसे बड़े पुरोधा रहे वो कबीर ही रहे, जिनको कि उत्तर भारत का भविष्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक गुरु उस समय बोला जाता था। तो आप इन सारे नामों के विषय में मैं थोड़ा थोड़ा चर्चा करता रहूंगा। तो ये दो धड़े की बातें कब शुरू हुई थी, तो ये बातें शुरू हुई थी रामानंद के रिजाइम में, रिजाइम नहीं कह सकते, रामानंद गुरु रामानंद के दरमिया उनके शिष्य दो धड़े में बट गए थे और उस समय शगुन साकार और निर्गुण निराकार का कल्पना बहुत प्रमुखता से रहा था। और खास करके शगुन साकार स्वरूप के अंदर कृष्ण और राम की भक्ति का उत्तर भारत में प्रादुर्भाव सबसे ज्यादा था। वैष्णव और शैव संप्रदाय का आपका प्रादुर्भाव दक्षिण में उस समय ज्यादा रहा था, वहां भी मुर्गप्पन और इस तरीके से बालाजी, इस तरीके से सारी मूर्तियां जो है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का, वो सारे विष्णु का ही मूर्ति है। दैट्स व्हाई आज भी वहां पे विष्णु का स्वरूप वैष्णव स्वरूप में ब्रह्म का उपासना दक्षिण भारत में ज्यादा होता रहा है। तो अब मैं फटाफट बात करूंगा आपको यहां से कि कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्त। कबीर क्या, कबीर क्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कबीर बहुत कुछ, कबीर कौन, तो एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से पैदा हुआ संतान, जिसे लोकलाज की डर से उसकी मां वाराणसी में एक लाहातार जगह में तालाब के पास छोड़ देती है। फिर उसे वहां से उठाता कौन है, तो नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपत्ति, जो उस छोटे से बच्चे को जो कहीं रखा हुआ पाया जाता है उसको उठा के पाल पोस के इसका नाम क्या देता है, कबीर। तो भैया कबीर की कोई जात तो बनी नहीं, कबीर का कोई धर्म तो बना नहीं, तो कबीर और शिष्य रामानंद दास जी के, तो रामानंद दास जी के शिष्य में ये निर्गुण निराकार स्वरूप की तरफ आगे बढ़ गए। कुछ लोग कहते हैं कि निर्गुण निराकार होने से कि मुस्लिम धर्म से प्रभावित रहे, क्योंकि मुस्लिम धर्म में निर्गुण निराकार है, अल्लाह का कोई स्वरूप या कोई मूर्ति पूजा वगैरह से वो दूर रहते हैं इन चीजों से। तो कुछ लोगों ने जब उनको बोला कि वो मुसलमान का थोड़ा सा रहा उनमें, तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि वो कर्मकांड इन चीजों को बहुत काटते हैं तो हिंदू के खिलाफ थे। तो साथ ही साथ मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए उन्होंने ना बड़ा टैक्टिकली बातें कही हैं, है ना, बताया है ना आप लोगों ने, जान रहे होंगे कबीर की बातें हैं ये कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, ताज चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। और फिर वहीं पे बाद में ये भी बोला है, पाहन पूजे हरि मिला तो मैं पूजू पहाड़, जाते वे चक्की भली जो पीस खाए संसार, है ना। तो ये चीजें कबीर के बारे में प्रचलित रही। कबीर का जन्म कब हुआ ये महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है मुख्यतः। तो कबीर 1440 ईस्वी के दरमियान, और उस समय किसके समकालीन, सिकंदर लोदी। दोस्त अगर आप पढ़े होंगे मध्यकालीन इतिहास तो आपको आइडिया लग रहा होगा सिकंदर लोदी, लोदी वंश के संस्थापक सिकंदर लोदी के समकालीन रहे ये। कबीर शादीशुदा जीवन जिए, कबीर का शादी लोई उनकी पत्नी का नाम था, इनके दो बच्चे भी रहे और प्रॉपर गृहस्थ जीवन जी रहे थे कबीर। कबीर कोई संत के जीवन के रूप में अलग तरीके से इन्होंने दिया भी नहीं, इन्होंने बोला कि आराम से गृहस्थ जीवन में रह के भी आप भगवत भक्ति कर सकते हो निर्गुण निराकार स्वरूप में। कबीर का धर्रा क्या था, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक रहे कबीर, भक्ति में थे ब्रह्म के उपासक थे निर्गुण निराकार। उनका कहना था कि राम रहीम हजरत अल्लाह माहे गुरु सब सेम है। माहे गुरु बाद में आए थे कबीर के बाद। तो ये एक धर्म एक भगवान और एक कंसेप्ट की बात बोला इन्होंने। यहीं पे आता है कि धर्म आडंबर
बनारस जो धर्म आडंबर और धार्मिक अनुष्ठान और ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा जड़, वहां खड़े होकर के एक कबीर ही हौसला और हिम्मत रख सकता है उस पूरे सिस्टम को चैलेंज करने का। आप सहमत हो, हम सहमत हो, असहमत हो, ये एक अलग चीज है, लेकिन कोई बनारस में उस समय 15वीं शताब्दी के आसपास में खड़े होकर के ये बोलने का हिम्मत रखने वाला कि धार्मिक आडंबर है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ शब्द का उच्चारण करने वाला, जिस समय पूरा भारत सल्तनत काल और मुगल काल के जद में जकड़ा हुआ था इस्लामिक कट्टरवादिता के, उस समय बोलने वाला बंदा ये कह दे जो कि क्या बोला था कि ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या पहरा हुआ खुदा, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए, इस बड़े हृदय के विशाल इंसान को कबीर कहते हैं। कबीर बनना कोई आसान काम नहीं है। तो खैर मैं कबीर पे व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, वो कभी बाद में। मैं आपको बता दूं, जाति प्रथा पे प्रहार करना, धार्मिक आडंबर पे प्रहार करना, ये सारा कबीर के नीतियों में रहा। वो अवतार इत्यादि को बिल्कुल घोर विरोध करते थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म। अब एक्चुअली क्या है, एक तो आपका शब्द, शब्द क्या है तो आप यहां से देख सकते हो, सिखों के धर्म ग्रंथ में लिया गया, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शब्द का शेष का संकलन कर दिया गया। बीजक क्या है तो ये साहित्य है शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित। बीजक को संकलित किसने किया था? धर्मदास। ये किसकी रचना है तो संत कबीर है ना। और उनका शैली क्या था, भाषा क्या था, तो उनका कोई भाषा नहीं था, सधुकड़ी भाषा थी जिसमें तीन भाषाओं का संगम था, अवधी, राजस्थानी और आपका ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी भाषा का संगम था और सधुकड़ी भाषा में। लेकिन इनके गुरु जो थे रामानंद दास जी, उन्होंने हिंदी में सारा कार्यक्रम किया था। और 1510 ईस्वी में मगहर में इनका प्राण त्याग होता है। इसी पे एक बड़ा अच्छा बात बोला था कि आप समझना है इस चीज को, एक बात जानना, ऐसा लोक मान्यताएं थी उस समय कि जो भी बंदा, जो भी इंसान काशी में अगर शरीर त्यागता है तो वो सीधे भगवान के पास जाता है, स्वर्ग लोक जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ठीक सरजू पार वहां पे एक जगह था, सॉरी गंगा पार एक जगह था, और वो था मगहर, जिसको लोग अशुद्ध अछूत मानते थे। और मगहर में जो शरीर त्यागेगा वो नर्क का भागीदार होगा। तो ये कबीर ही कह सकते हैं, ध्यान देना इस बात को जो मैं बता रहा हूं, क्या काशी, कबीर ने बोला था, लिखा था, सुनना, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, और जो काशी में मैं तन त्यागू रामे कौन नहीं हो रहा। मतलब यह हुआ साहब कि अगर मैं काशी में तन त्यागता हूं, इसमें राम की कौन बड़कपन है, अगर राम मेरे हृदय में है और राम के हृदय में मैं हूं, तो अगर मैं मगहर में भी तन त्यागूंगा तो वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। और मरने से कुछ समय पहले गंगा पार करके वो काशी से मगहर चले जाते हैं, और मगहर एक जगह है, वही आपका संत कबीर का समाधि स्थल है। तो ये तो हमारे तरफ से कबीर का आपका चैप्टर पूरा होता है। रिकॉल करा दूं, कबीर सिकंदर लोधी के समय में जन्म हुआ। कबीर बाद में अगर आपसे पूछा जाए किसके, तो सिकंदर लोधी के सरमियान। बाद में आपका लोई नाम के पति, इनके दो बच्चे, निर्गुण निराकार, काशी में इनका सारा का सारा व्याख्यान चला, वहीं जीवन जिया इन्होंने, मगहर में उनका मौत हुआ, शब्द सिख धर्म ग्रंथ में लिया गया है, बीजक धर्मदास ने संकलित किया, इनकी भाषा सधुकड़ी रही, राम रहीम हजरत अल्लाह को इन्होंने एक माना है, और भक्ति आंदोलन के पुरोधा, और इनके गुरु कौन थे तो रामानंद। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब मैं अगला पॉइंट लेता हूं यहां पे, और अगला पॉइंट है आपके गुरु नानक साहब। गुरु नानक साहब कौन? गुरु नानक साहब जिन्होंने सिख धर्म
चलाया सिख संप्रदाय के जनक। अब तो गुरु नानक की अगर बात किया जाए दोस्त, बस आखिरी 15-20 मिनट में बस आपको फ्री कर दूंगा। गुरु नानक जो हुए वो बेसिकली 1469, तो पहले कौन आए है ना, हम इस बात को समझ सकते हो। पहले कालानुक्रम में लिखूं तो पहले कबीर, फिर नानक। कई बार कालानुक्रम लगाने के लिए आपको पूछा जाता है। 1469 ईस्वी में नानका साहिब में तलवंडी नामक जगह, तलवंडी जो अभी कहां है, नानका साहिब नाम से ये पाकिस्तान चला गया है, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। और आपका इन्होंने भारत का 5 चक्कर लगाया पहले, और नाम क्या रखा था, उदाशीष। उदाशीष यात्रा के दरमियान पूरे भारत का 5 बार भ्रमण किया। या मैं कह सकता हूं कि भारत भ्रमण करने से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जेन के स्लीपर कोच में बैठो, सस्ता से तरीके से कुछ पैसे जेब में डाल के पूरे भारत अगर आप 3-4 बार ऐसे ही घूम लोगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बहुत महान देश है ये। अंदर से आवाज आती है, भारत माता की जय। खैर, तलवंडी में नानका साहिब का आपका जन्म होता है। करतारपुर साहिब अभी चर्चा में रहा है, जहां इन्होंने डेरा बनाया था यानी मठ। करतारपुर साहिब, करतारपुर कॉरिडोर लेके अभी चर्चा में रहा था। पाकिस्तान से लिंकेज की बात हो रही थी, पंजाबियों के लिए, सिख संप्रदाय वालों के लिए बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में है ये। तो गुरु नानक देव का जन्म 1469 में तलवंडी नामक जगह में, भारत का 5 बार भ्रमण किया इन्होंने। और ये किसके शिष्य थे, फरीद, बाबा फरीद के शिष्य थे ये। अब बाबा फरीद कौन, तो ये बाबा फरीद थे आपके बलवन के दामाद। बलवन के दामाद कौन सा बलवन, ग्यासुद्दीन बलवन। बलवन के दामाद आपका वहां पे गुलाम वंश का आखिरी दौर के शासकों में से एक बलवन के दामाद थे बाबा फरीद। ये पंजाब में उस समय कौन से संप्रदाय से बिलोंग कर रहे थे, तो चिश्तियाई संप्रदाय से बिलोंग कर रहे थे, जिसका डिस्कशन भी आगे आएगा। तो बाबा फरीद के चेले थे गुरु नानक साहब। फिर इसमें चर्चा आता है कि इनका जो था वो सिख धर्म इन्होंने चलाया था। गुरु नानक साहब का ज्यादातर डिस्कशन में एक सिख नाम से चैप्टर जब पढ़ाऊंगा वहां कर दूंगा, तो अभी यहां पे गुरु नानक साहब के विषय में ज्यादा प्रश्न आपको नहीं उठ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं आपको। इसके बाद फटाफट में 2-3 नाम आपको करा दूं, 2-3 घटनाएं रही थी। चैतन्य स्वामी के बारे में जान लीजिए जी। चैतन्य स्वामी कौन, तो चैतन्य स्वामी के बारे में डिस्कशन आता है, उनके बाद आए 1486 में जन्म, कहा बंगाल में। काम कहां किया सबसे ज्यादा इन्होंने, तो बंगाल में जन्म होने के बाद ये बाद में चले गए पुरी, और भगवान जगन्नाथ का उपासना किया, जगन्नाथ के उपासक। अब जगन्नाथ भगवान के कौन सा स्वरूप है, विष्णु स्वरूप के रूप में माना गया है, यानी वैष्णव संप्रदाय। चैतन्य स्वामी किस संप्रदाय से रहे, वैष्णव संप्रदाय से रहे। कहां उन्होंने उपासना किया, पुरी में। पुरी कहां है भाई, तो उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी यानी जगन्नाथ मंदिर में इन्होंने उपासना किया। ये वैष्णव संप्रदाय से थे। और कालानुक्रम में बात करें तो कबीर, कबीर के बाद नानक, नानक के बाद आते हैं चैतन्य। ज्यादा क्वेश्चन यहां से भी नहीं बनता है। चैतन्य कौन थे, चैतन्य स्वामी जी तो वैष्णव संप्रदाय के। जन्म कहा, बंगाल में, पुरी जगन्नाथ में। जगन्नाथ जी का इन्होंने भक्ति किया, लंबे समय तक रहे और वहीं इन्होंने प्राण त्याग किया। चैतन्य महाप्रभु इनको बोला जाता था। अब यहां पे नाम आता है एक और बहुत बड़े पुरोधा, गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी का रजाइम क्या रहा दोस्त, यानी किस दरमियान ये रहे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी 1532 से लेकर के 1623, यानी किस किस शासकों को देखा इन्होंने, इन्होंने हुमायूं को देखा और इन्होंने अकबर को देखा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी किसके समकालीन थे, तो आप उत्तर करेंगे अकबर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये किसको मानते थे, तो शगुन साकार। किसके उपासक थे,
राम, सीता संग, राम परिवार, इनके रचनाएं क्या रही? गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस, जो आज और आई थिंक आने वाले जन्म जन्मांतर तक हिंदू धर्मावलंबियों के लिए ये दिशा निर्देश का कार्य करते रहेगी। तो रामचरितमानस विनय पत्रिका, गीतावली, ये तीन रचना जरूर दोस्त याद रखिएगा। पूछा जाता है विनय पत्रिका किसने लिखा, रामचरितमानस की रचना किसने की और गीतावली का रचना किसने किया। हुमायूं से लेकर के अकबर के रिजाइन तक, यानी अकबर के समकालीन रहे, हुमायूं के दरमियान तो देखो छोटा बच्चा ही रहे होंगे, रियल में उनका डेवलपमेंट शुरू हुआ होगा आपका बाद में, अकबर के दरमियान तक आपका डेवलप हुए होंगे और अकबर के जाने के बाद जहांगीर के टाइम पे बुजुर्ग होके दुनिया छोड़ ही दिए होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी राम उपासक, शगुन साकार, राम सीता का दर्शन और रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली का रचना किया। और बहुत ज्यादा सवाल गोस्वामी तुलसीदास जी से भी दोस्त नहीं बनता है। फटाफट अब इसी दरमियान आगे आ जाओ। धन्ना उनका शिष्य था रैदास का, आपको लिखवा चुके हैं, राजस्थान से बिलोंग करता था। मीराबाई का थोड़ा सा चर्चा जरूर करना चाहूंगा। मीराबाई कौन? तो भोमराज की पत्नी। ये भोमराज कौन? तो राणा सांगा का ज्येष्ठ पुत्र, राणा सांगा मेवाड़ शासक का ज्येष्ठ पुत्र, यानी पुत्रवधू किसके? राणा सांगा की। मीराबाई अल्प आयु में विधवा हो जाना, ये सब घटनाएं याद रखना आप। अल्प आयु में विधवा हो गई थी, उसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति किया, शगुन साकार स्वरूप में लिखवाया था आपको, कृष्ण भक्ति किया। किस स्वरूप में? तो आप इन्होंने पति है ना, प्रेमी के रूप में कृष्ण भगवान का भक्ति किया। और कृष्ण से मीरा का संवाद होता था ऐसा उस उत्तरार्ध के सभी लोग मानते हैं और कई ग्रंथों में इसका वर्णन भी रहा है। अब यहां पे राग गोविंद की रचना किसने किया? मीराबाई। ये पूछा जाता है आपसे, मीराबाई शगुन साकार, प्रेमी के रूप में कृष्ण की उपासना, लेकिन ये बुद्ध जैसा, बुद्ध की तरह जीवन को दुख का सार मानती थी और मृत्यु को मुक्ति और अपने कृष्ण से मिला। चलें सब कुछ उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल आपका कमेंट, सभी कमेंट्स में लास्ट में जरूर देखूंगा। तो चलें, तो मीराबाई भोमराज राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी, अल्पायु में विधवा हो जाना, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाना, और इनका जो भाषा रहा वो इन्होंने ब्रज भाषा में रचना की थी और कुछ राजस्थानी भाषा का भी इस्तेमाल किया था। बट मुख्य रूप से कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जाए कि मीरा भाई के रचनाओं की भाषा, उनके गीतों की भाषा क्या रही, तो दोस्त आप बताना ब्रज भाषा। और इसके बाद चर्चा आता है रैदास का। रैदास में ज्यादा कुछ नहीं है, ये जूता सिल के अपना जीवनी व्यतीत करते थे, ये हरिजन समाज से आते थे और उस समय छुआछूत का दौर ज्यादा था। बावजूद इसके इन्होंने बहुत बेहतर भक्ति आंदोलन में सपोर्ट किया और उस समय भी ऐसी बात नहीं थी, रामानंद के शिष्य थे जिनके शिष्य आपके कबीर रहे हुए हैं, और रैदास को भी बहुत मान सम्मान और स्नेह समाज के तबकों के द्वारा मिला था। अलग अलग लोग हैं, शंकर देव का चर्चा आता है, शंकर देव में तीन चार बातें ध्यान रख लेना, शंकर देव का संप्रदाय क्या था यही पूछा जाता है। तो वैष्णव, तो खास करके असम, बिहार, बंगाल इत्यादि में वैष्णव धर्म को किसने उन्नत करवाया? तो शंकर देव। मेनली आपसे दोस्त ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं कुछ आखिरी चरण में ला रहा हूं डिस्कशन को, और अब देखिएगा डिस्कशन का आखिरी चरण, सबसे पहले ये समझिएगा
अद्वैतवाद पूछा जाता है किसने दिया? शंकराचार्य। अद्वैतवाद का सिद्धांत आपको समझा दिया, विशिष्ट अद्वैतवाद। ये रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य शगुन ईश्वर है ना, ये शगुन साकार, ये याद कर लीजिएगा टेबल। और एक किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। इसके बाद आता है द्वैतवाद, ये इसका माधवाचार्य। और इसके बाद चर्चा आता है द्वैता द्वैतवाद, ये उस समय के कुछ बाद थे। मैं समझा दूं, अद्वैतवाद आपको समझा दिया था एक ही होना अद्वितीय यानी एक होना। विशिष्ट अद्वैतवाद कहने का मतलब है कि ब्रह्म का प्रकृति विशिष्ट है और जन का प्रकृति, इंसान का प्रकृति अलग है, तो हैं दोनों एक लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही एक हो सकते हैं, सभी परिस्थितियों में समान नहीं है। उसके लिए बहुत विशेष सामंजस्य और विशेष बहुत प्रकार के ऐसे परिस्थिति उत्पन्न करने का जरूरत है। यह किसने बोला था? रामानुजाचार्य ने। शंकराचार्य ने बोला था अद्वैतवाद, जीवो ब्रह्म है नापर। द्वैतवाद मतलब कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, और द्वैता द्वैतवाद कहने का मतलब था कि दो और दो है ना। यहां से इन्होंने निम्बार्क, ये जानना बहुत जरूरी है, निम्बार्क किसके उपासक थे? नाम में बच जाना, ये कृष्ण उपासक थे। ये इन्होंने द्वैता द्वैतवाद पूछा जाता है एग्जाम में दोस्त। अब यहां से देखो कुछ कालानुक्रम सीखना। शंकराचार्य 8वीं सदी, ध्यान रखना इन चीजों को। रामानुजाचार्य 11वीं सदी, ध्यान रखना इन चीजों को। चैतन्य महाप्रभु 15वीं सदी, तुलसी 15वीं सदी, मीराबाई इनके बाद। एक कालानुक्रम है दोस्त, जो कई बार यह पूछ लिया जाता है कि इनको एक ऑर्डर में सजाओ। अब यहां पे बात करूं मैं कि कबीर, फिर से लिख रहा हूं, तो कबीर किसके समकालीन रहे? सिकंदर लोदी, 14वीं सदी के बाद, 1440। गुरु नानक देव, ये बाबर के समकालीन थे, समझ रहे हैं बात को। चैतन्य महाप्रभु 7वें, तुलसी जी, ये किसके समकालीन? अकबर और हुमायूं के समकालीन पूछा जाता है आपसे। और आपका मीराबाई तो राणा सांगा के बाद जो आपका वो सारा रिजाइम रहा था, वो 15वीं शताब्दी के बाद अकबर और बाबर और अकबर के रिजाइम में। तो ये था है ना हिंदू धर्म का पुनर्जन्म, बौद्ध और जैन धर्म के प्रादुर्भाव को कटित करते हुए काटते हुए पुनर्जन्म की जो प्रक्रियाएं थी वो ये थी। थोड़ा सा इस्लाम धर्म का जो सुधार है उससे सवाल बनता है यार, तो सवाल के दृष्टिकोण से प्राचीन चीजों को देख लो। चिश्ती, चिश्ती एक प्रकार का नया संप्रदाय इस्लाम के अंदर चला था है ना। तो चिश्ती संप्रदाय का जो सबसे महान जो ख्वाजा उशम चिर आपका ये थे चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक, भारत में प्रचारक मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कहां रह गए? अजमेर में, अजमेर वाले ख्वाजा। यानी ये चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक माने जाते हैं। भारत में चिश्ती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अब फटाफट इन चीजों को मैं समाप्त कर देता हूं। अब यहां पे है ये कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये चिश्ती संप्रदाय से थे। फिर इसके बाद चर्चा आता है कि शिष्य किसके थे है ना। तो आपका यहां पे ऐसे चलना, एक कुछ चीज और देख लो। सलीम चिश्ती,
अकबर किसके दरबार में ज्यादा जाया करता था? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती के दरबार में दर्शन के लिए। अकबर के दरमियान कौन से चिश्ती संप्रदाय के आपके थे? तो सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। इनका कहां था मजार? तो ये थे आपका सिकंदरा, फतेहपुर सिकरी में, सॉरी फतेहपुर सिकरी में इनका मजार था। सलीम चिश्ती, इन्हीं से प्रभावित होकर अपना नाम लिखा था। इनको क्या बोला जाता था? शेख उल हिंद। इनको शेख उल हिंद बोला जाता था। ये चिश्तिया संप्रदाय। और आपका यहां पे बाबा फरीद किसके गुरु थे उस समय के? बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको पढ़ा चुका हूं, बाबा फरीद बलवन के दामाद। और ये गुरु किसके थे? गुरु थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के दरमियान का जो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहां? तो दिल्ली के अंदर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां? तो अजमेर के अंदर। सलीम चिश्ती का दरगाह कहां? तो फतेहपुर के अंदर। ज्यादातर दो तीन यही नहीं में से पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है आपसे। इनको बोला जाता था महबूब ए इलाही। इन्होंने 7 सुल्तान का क्रम देखा था दिल्ली सल्तनत के अंदर, लेकिन किसी से नहीं मिले। इनको बलवन ने बुलाया, उसको रिफ्यूज किया। अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया, उससे मिलने से मना किया। जलालुद्दीन खिलजी जब इनके पास आया था तो ये अपने मजार से उठ के बाहर चले गए थे। तो ये इनको बोला जाता था महबूब ए इलाही। ये किसी भी सल्तनत युगीन शासकों से नहीं मिले। और ये किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद के ही शिष्य थे गुरु नानक, बाबा फरीद के ही शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया। उस समय का एक और थे मोहम्मद गुलाम गौस। उन्होंने श्री कृष्ण मोहम्मद गुलाम गौस और सल्तनत कालीन कौन? तो आपका जो बीना का सितार का आविष्कार किए अमीर खुसरो, एक कृष्ण उपासक थे। आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य होगा, कृष्ण की भक्ति किया था अमीर खुसरो ने। और गुलाम गौस तो श्री कृष्ण को कहते थे आपका औलिया ए हिंद, हिंद का औलिया बोला गया था श्री कृष्ण को, है ना, औलिया ए हिंद। किसने बोला था भगवान कृष्ण को? गुलाम गौस, औलिया ए हिंद। अब यहां पे इस समय इस्लाम संप्रदाय के कुछ धर्रे थे जिस पे सवाल बनते हैं दोस्त, तो वो भी मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। वो खास करके धर्रे वो कुछ ये थे, वो ध्यान रखना आपका। एक तो था चिश्तिया संप्रदाय, दूसरा था आपका सुहरावर्दी, तीसरा था आपका कादरिया, और चौथा था आपका नक्शबंदी। अब यहां दोस्त क्या क्या है तो ध्यान रखना। चिश्तिया संप्रदाय, ख्वाजा उशम चिश्ती। चिश्ती एक जगह है, कहां? अफगानिस्तान में। अफगान में एक जगह है चिश्ती, वहां जाके सेट हो गए थे, वहीं से संप्रदाय चलाया था। जिनका मानना है कि गाकर गीत संगीत के तौर से महबूब मानते हुए अल्लाह की उपाधि, सॉरी अल्लाह का उपासना यानी कि अल्लाह का सजदा करने से ही आपको अल्लाह मिलेंगे। सुहरावर्दी का मानना था कि सुख सुविधा से युक्त होकर धन को इन्होंने बुरा नहीं माना था। जबकि चिश्तिया संप्रदाय और जो थे उस समय के, उन्होंने मजार में जीवन व्यतीत करना और धन से दूरी बनाई थी। लेकिन सुहरावर्दी जो थे वो धन धान्य के साथ और अल्लाह के उपासना में यकीन रखते थे, ये सुहरावर्दी कहलाए थे। और कादरिया संप्रदाय प्रमुख रूप से उस समय दारा सिखों के दरमियान में डेवलप हुआ था, जो हिंदू के सबसे नजदीक थे। और आपका ये भी कुछ हद तक चिश्तिया संप्रदाय से ही जुड़े हुए थे, बट सबसे ज्यादा जो कट्टर थे वो कौन थे? नक्शबंदी, सबसे कट्टर, जिसका बाबर था मानने वाला, बाबर नक्शबंदी को मानता था। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहां से नहीं बनता है, है ना। नक्शबंदी और सुहरावर्दी चिश्तिया ये सब बहुत डिटेल में अगर जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो पूरे सेशन में मध्यकालीन में एक क्लास का जो जरूरत मुझे लग रहा है, जहां से सवाल आता हुआ दिख रहा है आपके एग्जाम में दोस्त, वो बस ये है क्या
कि थोड़ा सा आपको मराठा पढ़ा दिया जाए, जरूरी है यार मराठा पढ़ना, और थोड़ा सा सिख, एक ही सेशन में सिख और मराठा आपको इजीली पढ़ाया जा सकता है। तो अब अगर आप में से किसी भाई का कोई विशेष कमेंट रहा हुआ है तो फटाफट मैं उसको ले लेता हूं। जितने भी आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, स्टार्टिंग सेशन में हमने पढ़ने के संबंधित आपको गाइडेंस दिया था उसके विषय में कुछ बातें हो तो आप मुझे बताएं, आपके कमेंट्स का मैं फटाफट रिप्लाई कर दे रहा हूं। प्रियंका मंजरी, अगर आप मैं सुन पा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए, पुरजोर तरीके से तैयारी करिए। रणधीर शर्मा जी, गुड इवनिंग रणधीर। सतेश बिग वंशु, शानदार सतेश, सतेश जी आप लगातार क्लासेज ले रहे हैं, बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, बस मेहनत थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए जैसा आज गाइडेंस दिया है। सन्नी सौरभ सिंह, गुड इवनिंग सन्नी, क्या हाल चाल आपका। विमल गौतम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राकेश सिंह, गुड इवनिंग राकेश, कैसे हैं। प्रणव सिंह, आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुणाल गौतम, बहुत बहुत आपको भी शुभ संध्या। सुजीत कुमार, गुड इवनिंग। दिव्यम सिंह, गुड इवनिंग आपको भी। राहुल सिंह, गुड इवनिंग। प्रशांत कुमार पांडे, शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। प्रकाश ओम जी, कैसे, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। गौरव सिंह जी, व्हाट्सएप नंबर में शेयर किया था पीछे वाले वीडियोस में, कर दिया जाएगा, दिख रहा है सब, बहुत बढ़िया है। और किसी भी प्रकार का कोई आपके मैसेज है जी, बिल्कुल पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा आप लोगों को, बिल्कुल चिंता नहीं करिए सर, पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वर्क इज गोइंग ऑन। राकेश शर्मा जी, कैसा हाल चाल है आपका। विकास वसीन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। यूट्यूब चैनल है जीके के कंटेंट में ज्यादातर यही रख रहा हूं, YouTube चैनल पे जीके का बहुत ज्यादा कंटेंट अभी डाल नहीं रहा हूं, डालना शुरू करूंगा। आप सुपर कुमार नाम से सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। नंदन सिंह जी, धन्यवाद, धन्यवाद। मोनू शर्मा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मोनू, क्या हाल चाल आपके। रिंकू राठौर, रामनिवास जाकर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए। और बस एक ही, कबीर के कौन से दोहे समझ में नहीं आए जो मैंने अभी बताया, जो पोस्ट में भी डाला था, वही दोहा क्या, क्या काशी क्या उसर मगर वाला, दोबारा बताता हूं, दोबारा देखना। शुभ रात्रि रणधीर जी, बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी। और अगला जो सेशन है आपका वो परसों यानी 25 तारीख को, कल सेशन नहीं है आपका ये, परसों 25 तारीख को उत्तर मुगल काल पोस्ट मुगलियन एरा का हेडिंग है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मराठा और सिख करवाऊंगा दोस्तों आप लोगों को। मराठा और सिख करवाने के साथ साथ आपको उत्तर मुगल काल, बहादुर जहां फरूक और बहादुर शाह, जहांदर शाह वगैरह का जो कहानी है वो आपको समझा दूंगा। और कल नहीं है क्लास, परसों के क्लास में हम लोग फिनिश कर लेंगे मध्यकालीन भारत, और उसके बाद फिर आधुनिक भारत का 6-7 लेक्चर, और इससे कम से कम आपका 10 से 12 सवाल दरोगा एग्जाम में आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, अगर हम आधुनिक भारत भी जिस तरीके से भी कर रहे हैं उसी तरीके से कर पाए तो। आप एक बुक को सहजर जरूर बना लें, बेहतरीन तरीके से प्रयास करें, एक किताब लुसेंट, एक स्पीडी और एक क्विक क्वेश्चन प्रैक्टिस का बुक, इसको कंपेनियन बना लें, परमानेंट सहजर बना लें, लगे रहें। हमारा प्यार भरा बहुत सारा शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। नंदन सिंह जी, भूमंत्र के पेज पे आपको लाइव सेशन मिल जाएगा, उसको ऑर्गेनाइज करके आप सबको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप लोग जितने भी मैसेज करेंगे मैं सारे मैसेज को पढ़ के यथा उचित रिप्लाई कर दूंगा। अभी आप सबसे विदा लेता हूं, शुभ रात्रि, आपका दिन और आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, धन्यवाद।